हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर व कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर बात करें योग्यता की तो इसमें 12वीं प्लस कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या एज चाहिए, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है। ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पद का नाम है यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, विभाग का नाम है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है वो है 22 मई, ये 14 तारीख से दोस्तों आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों शुरू हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इस भर्ती के बारे में, देखिए अभी हम कंप्यूटर ऑपरेटर का दिखा रहा हूँ, अभी मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी इसके बाद दिखाने वाला हूँ। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जैसे यहाँ पे 37 यानी कि 37 पोस्ट है। योग्यता की बात करें 12वीं प्लस CCC ADCA और BCA कंप्यूटर का कुछ भी सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कार्य की तो देख पा रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड हिंदी, टाइपिंग 25, MS ऑफिस रिलेटेड वर्क। देखिए आपके पास क्या है, 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपको आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे टाइप का काम है, ठीक है। देखिए पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें तो 15,800 रुपये प्रतिमा, एज 21 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। किस किस जिले से भर्ती आपकी निकाली गई तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले बता दूँ यहाँ पे देखिए अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है, कोई भी अनुभव आपको नहीं चाहिए। फ्रेशर्स बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद देखिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, हाथरस, झांसी, बहराइच, हापुड़, शामली, इतने जिलों से दोस्तों आपकी जो भर्ती है ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अगला जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का दोस्तों पद है, ध्यान से आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे विभाग का नाम है निर्वाचन आयोग। इसके भी फॉर्म दोस्तों आप 22 मई तक भर पाएंगे। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल पदों की तो 11 भर्तियाँ हैं, 14 तारीख से इसके भी दोस्तों फॉर्म स्टार्ट है। योग्यता सेम रखी गई है, 12वीं आप पास आउट हैं, प्लस दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CCC है, कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, ADCA है, ऑल सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काम आपका सेम होगा, आपको हिंदी की टाइपिंग दोस्तों आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहीं इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन कंप्यूटर टाइपिंग, तो यहाँ पे देख पा रहे कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो इसी के लिए होती है। चुनाव भी चल रहा है इस वजह से उनको सख्त ज़रूरत है, ये भर्ती आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक। अब देखिए पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी अप्लाई करेगा, इसमें भी सैलरी 15,800, एज सेम है दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपकी भर्ती है उत्तर प्रदेश जनपद लखनऊ से है, तो ये जो आपकी भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली दोस्तों ये आपकी लखनऊ से है तो आपको लखनऊ में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे इंटरमीडिएट प्लस CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोवाइड बाय नाइलेट और इट्स इक्विवेलेंट और 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, 25 WPN हिंदी टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर टाइपिंग, MS ऑफिस रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी भर्ती, दोनों पदों के बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दे दी है। अब इसका दोस्तों आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे दूसरे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। दूसरे चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारे दूसरे चैनल का नाम है फॉर्म सही भरें, इस पर सिर्फ आपको फॉर्म भर के बताया जाता है, आसान तरीके से आप देख पाओगे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सेकेंड चैनल को, और दोस्तों वहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भरना है। इन वैकेंसियों के बारे में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। इन दोनों भर्तियों में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपसे क्या है टाइपिंग कराई जाएगी। अगर आप टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों काम करने का मौका जो है मिलेगा। तो इस तरह से ये रही भर्ती की अपडेट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपको कैसे भरना, चैनल हमारा जो सेकंड वाला उसको जरूर ज्वाइन कर लें और वहां जाके आप वीडियो देख लीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।